यातायात जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिन आज एसएसपी राजेश सिंह चंदेल सर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से यातायात रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के मुख्य चौराहों पर जाकर लोगों को यातायात के बारे में जागरूक करेगा। इसके साथ ही यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा हैप्पी डेज स्कूल एवं सेंट चार्ल्स स्कूल में जाकर बस चालकों और परिचालकों से चर्चा की। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही बसों के दस्तावेज एवं बसों का निरीक्षण भी किया गया। खास बात यह रही कि शिवपुरी में पहली बार किसी स्कूल ने स्कूली बसों पर महिला परिचालकों को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बस में जिसमें बच्चियां हैं उसमें महिला टीचर या महिला परिचालक का होना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए हैप्पी डेज स्कूल ने अपनी बसों में महिला परिचालकों की नियुक्ति की है। यह बच्चियों की सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही सराहनीय कदम है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जो आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की क्या कार्रवाई है? ये आज हमारा सड़क सप्ताह का प्रथम दिन है, जिसके तहत आज हम दो स्कूलों में गए, हैप्पी डेज स्कूल और सेंट चार्ल्स। इसमें मेन मकसद था कि बच्चों की शिक्षा को लेकर बात की जाए। इसके द्वारा आज हमारे चालक और परिचालक जो संचालक बात है इसमें मैटर को लेकर कि हम आए दिन देख रहे हैं कि जो चालक है कहीं साइड गाड़ी चलाए हैं, ओवरिंग भर रहा है, दस्तावेज कंप्लीट है, फर्स्ट बॉक्स नहीं है, शराब पी के कोई, तो मतलब ये तमाम तरह की चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत जो 18 बिंदु हैं उसके तहत बातचीत की गई है, इनको सख्ती के साथ समझाइश भी दी गई है। और ये बताया गया है कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे उनके द्वारा भी हम इनको ही चालान भेजेंगे, तो उसमें फिर ये समझ आएगी। तो इनके द्वारा आज बताया अगर हम पालन करें ये देखते हैं, लेकिन आज इनको समझाइश दी गई है। तो अब सप्ताह में हर दिन कुछ नया किया जाए, एक समाज में मैसेज जाए, यात्रा को लेकर प्रचार प्रसार किया जाए। और आज से यातायात रथ भी हमारा सब घूमेगा जो आम जन को जागरूक करेगा। यातायात भी मैं भी शहरवासी निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ साल के दिन का सप्ताह है और आपके सहयोग से आपके इसमें भरने से किसी से की आप जान बचा सकते हैं। जैसे कि गाइडलाइन का पालन नहीं करते फिर इनके ऊपर तरीके कार्रवाई 75 बसाए कार्रवाई की चीजें साथ में की गई थी, समय समय जरूर किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आज ये सभी कार्रवाई की नहीं, लगातार ही कार्रवाई लगाती है। यातायात सप्ताह शिवपुरी और पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है और इसको 11 से लेकर 17 तक मनाया जाएगा। इसमें मुख्य जोर जो इस बात का है कि जो एक्सीडेंट में डेथ हो रही है उसमें जो कई का विशेष कारण आए, खासतौर से सामने आए, उनमें एक तो आया कि हेलमेट नहीं लगा रहे दोपहिया वाहन चलाने वाले, जिनकी वजह से जब एक्सीडेंट होता है तो उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा है कि सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं चार पहिया वाहन वाले और जिसकी वजह से भी उनकी टकरा के कहीं इस तरह की डेथ हो जाती है। और कई लोग ऐसे बचे भी हैं जिन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। ये दो चीज़ों के अलावा एक जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं उनका, ओवरलोडिंग वाले गाड़ी चलाने वाले उन पर रॉन्ग साइड से लोग जो आते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए इसका विशेष तौर पर इन्होंने निश्चित किया है। तो ये आज का दिन तो हम लोग इसमें अपना इनाम एक यहाँ का यातायात रथ चालू किया है कि ये अवेयरनेस फैलाएगा आज के दिन के लिए। लेकिन इसके साथ में इस बार ये कार्रवाई भी कर दी कि अगर बिना हेलमेट भी मिलता है आदमी तो उतना सिर्फ चालान होगा, साथ में उसका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निरस्त हो जाएगा। तो ये अब थोड़ा सा कठोर कदम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी लगातार कह रहा है कि इस तरह के मामले कम होना चाहिए, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या परिवार वालों को लंबा नुकसान होता है। तो बिना हेलमेट के ना चलें, मेरा ये निवेदन है सबसे, सीट बेल्ट लगाएँ। आप भले ही छोटे शहर में भी हैं तो भी अगर आप गिरते हैं तो ज़मीन पर गिर के और एक्सीडेंट से डेथ होती है, और ऐसे सीट बेल्ट नहीं लगाते तो भी डेथ होती है। तो हमको ये चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से भी सभी शिवपुरी वालों से निवेदन करूँगा कि वो इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लें, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, स्वयं यातायात नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करवाएँ ताकि इस तरह की असामयिक दुर्घटनाओं से और दुखद स्थिति से बचा जा सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।